अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना था, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, हमने इसको किससे डिवाइड करना था, 1000 से। पहले हमने 10 से किया, फिर 100 से किया, और आज हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। हमारे पास वैल्यू है 3434.43। हमने किस पर डिवाइड कर दिया, 1000 पे। जैसे कल हमने 10 और 100 का पढ़ा था, हमने कहा था पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवा देना है। अब 10 होगा तो 1 वैल्यू के बाद मूव करवा देंगे, 100 होगा तो 2 वैल्यू के बाद, और अब 1000 है तो 3 वैल्यूज़ के बाद। देखिए पॉइंट इधर है 1, 2 और 3, तो 3 वैल्यू के बाद पॉइंट को मूव करवा दे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.43443। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 293.75 को हमने डिवाइड करना है 1000 पे, पॉइंट को हमने मूव करवाना है, ठीक है, 3 पॉइंट। तो ये 1, 2, 3, तो इसका मतलब है इसके बाद पॉइंट आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.29375। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 37.582, हम इसे भी हमने 1000 पे डिवाइड किया, पॉइंट को हमने मूव करवाना है, तो 1, 2 वैल्यू हैं, आगे तो 3 वैल्यू नहीं है, तो उसकी जगह पे 0 लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे, पॉइंट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.037582। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.3, सॉल्व द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 13.2 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, 7 के साथ। तो हम जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 7, 2, 14, 4, 1 कैरी आया, 7, 3, 21 और 1, 22, 2 यहाँ पे कैरी आया, 7, 1, 7 और 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9। अब हमने पॉइंट को कहाँ पे प्लेस करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो नीचे भी किसके बाद आएगा पॉइंट, 1 वैल्यू के बाद, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92.4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 37.4, इसे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ, 4, 2, 8, 7, 2, 14, 4, 1 कैरी आया, 3, 2, 6, 1, 7 मल्टीप्लाई, उसके बाद 4, 1, 4, 7, 1, 7, 3, 1, 3, इसे हमने ऐड कर दिया, 8, 4, 8, 7, 7, 14, 4, 1 कैरी आया, 3, 1, 4। अब हमने पॉइंट प्लेस करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो नीचे भी हम 1 वैल्यू के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 448.8। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 45.31 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई, इसको हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2, 1, 2, 3, 2, 6, 5, 2, 10, 0, 1 कैरी है, 4, 2, 8, 1, 9, 3, 1, 3, 3, 3, 9, 5, 3, 15, 5, 1 कैरी है, 4, 3, 12 एंड 1, 13, इन्हें हमने ऐड कर देना है, 2, 6 में 3 ऐड करें 9, 0 में 9 ऐड करें 9, 9 में 5 ऐड करें 14, 4, 1 कैरी है, 3 और 1, 4, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है, 1 और 2, 2 वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो हम नीचे से कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगा लेंगे, 2 वैल्यू के बाद, 1 और 2 के बाद यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे।